नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हो मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं मुख्तलिफ मौजूदात पे काम करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हैं, एक है पाकिस्तान से जिनका नाम है मुजफ्फर चौधरी साहब, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वो एक है हमारे अपने इंडिया से जिनका नाम अभिषेक मिश्रा सर है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें अपने चैनल पर मधु किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक आपका यू भी अभिषेक फाइका, सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फाइका, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम आपके प्रशंसकों में से एक हैं, आपका काम देखते रहते हैं, तो आपके शो तो पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, और मुजफ्फर भाई के साथ थैंक यू तो बहुत सो ही मच, अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से पहले तो आपके पास आना चाहूंगी मुजफ्फर चौधरी साहब, आपसे जानेंगे, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दें कि आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। जी प्रोफेशन अब तो यूट्यूब ही है, इससे पहले मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ। फैसलाबाद आपको पता कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और टेक्सटाइल से ही रिलेटेड सिटी है ये। तो मैं पहले तो डिज़ाइनर था, उसके बाद में मैं इंडस्ट्री से, मैंने अपनी जो एक एम्ब्रॉयडरी जो है फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन आपको पता पाकिस्तान के हालात जो है, रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा होने की वजह से वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब मैं कुछ लेडीज सूटिंग का होलसेल का काम कर रहा हूँ साथ में, और ये यूट्यूब चैनल है तो पाकिस्तान इंडिया कंटेंट पे काम कर रहा वेल, आपसे तो आपका तारुफ जान लिया, अभिषेक सर को भी हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे नए लोग हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बता दें कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं आप। फायका, मैं बेसिकली लॉयर हूँ और प्रोफेसर हूँ, बच्चों को लॉ पढ़ाता हूँ, खुद भी लॉ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है। और कभी कभी लॉ के मुकदमों में कोर्ट में चला जाता हूँ क्लाइंट्स के लिए, बस यही है छोटा सा। तो अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, यूजुअली जो है मैं बहुत सारे डिबेट पे जाती हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज पे जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों का इंटरव्यू किया जाए, क्यों ना आज आप लोगों से बातचीत की जाए। यूजुअली देखा जाता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आमतौर पर कश्मीर, इंडिया, इंडिया कश्मीर करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, पहले तो मुजफ्फर साहब आपके पास चलते हैं कि आखिर जी आप इंडियन कश्मीर, कश्मीर इंडिया ऐसा क्यों करते रहते हैं? आपके पाकिस्तान में जो हालात है, जो नामसाइल हालात है, पीओजे के में जो हालात है, वो आप लोगों को क्यों नहीं दिखाते हैं? उससे आप लोगों को आगाही क्यों नहीं कराते हैं? आप सिर्फ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंडियन कश्मीर, कश्मीर इंडिया के पीछे क्यों लगे हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली हमारा जो हमें तालीम दी गई है शुरू से ही, जब हमारी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो हमें सबसे पहला जो वहाँ पर बताया जाता है वो कश्मीर के बारे में ही बताया जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है जी, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है, कश्मीर अगर नहीं बनता तो जी हम ऐसे, हमारे पाकिस्तान जो है वो सहरा बन जाएगा, इंडिया जो हमारे जो दरिया है उनके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो बचपन से ही हमें जो अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने टीचर से और अपने मीडिया से ये सारी चीज़ें सीखने में मिलती हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान, हमें अपने यानी ये समझ लें कि हमें पाकिस्तान में जो जहाँ हम रहते हैं उससे ज़्यादा हमें बताया जाता कि ज़्यादा अहमियत कश्मीर की है। तो इसलिए बचपन से ही एक माइंड सेट हमारा क्रिएट कर दिया जाता है कि हमने कश्मीर के बारे में ही पूछना या बात करनी है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा, जो जैसे कि जिसको आप ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हम उन्हें आजाद कश्मीर कहते हैं। तो वहां पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी वहां पर किसी किस्म की डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। वहां पर ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेयारी वहां पर हॉस्पिटल है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है वहां पर, ना ही कोई, अब ये देखें एक मंगला डैम है वहां पर जो कश्मीर के साथ ही, मुजफ्फराबाद सॉरी मीरपुर के साथ, वहां पर बिजली बनती है और बिजली कश्मीर को नहीं मिलती। वहां पर कश्मीर के अंदर और भी डैम है, कश्मीर में बिजली कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बिजली नहीं है और पूरे पाकिस्तान को वहां से बिजली सप्लाई होती है। उनके लोगों के जहन में आता है ना कि हमारी जो रिजर्व है हमारे, वो पाकिस्तान यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन हमें उसका हक नहीं मिल रहा। वहां पर
जो बहुत बड़े बागात हैं, वहां पर लकड़ी के जंगलात हैं, जो दीर की एक लकड़ी है, बहुत ही महंगी है, देयार उसको बोलते हैं, वहां पर वो काटी जाती है, वो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो माफियाज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और उसमें देखें उसका कोई उसको हक नहीं मिलता कश्मीर को, तो मायूसी की एक लहर है वहां पर। अभी चंद दिन पहले नारे भी लगे हैं वहां पर, एक किताब की तकरीब रोनुमाई थी, तो वहां पर खुलेआम अब नारे लगने शुरू हो गए कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। तो हम अभी इंडियन कश्मीर का रोना रो रहे हैं, ये कश्मीर अपना जो है हमारा, ये हमारे हाथ से निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो बिल्कुल हमें अपने कश्मीर के ऊपर, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसका ख्याल रखना चाहिए, उनके लोगों के जो हकूक हैं उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं, इधर मैं फैसलाबाद के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पर लोगों को सहूलतें नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास बेसिक जो राइट्स हैं वो नहीं है। अगर हम आगे चले जाएं, सिंध में चले जाएं, तो सिंध में तो अभी आपने एक वाकया सुना होगा कि आज भी एक लड़की जो है उसको 2 दिन पहले उसको कन्वर्ट किया गया है फोर्सफुली। तो यहाँ पर ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोगों के बेसिक जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे, तो हम रोना रो रहे हैं जी कश्मीर का। इंडियन जो इंडिया के पास कश्मीर है वो तो बड़े खुशहाल हैं, जैसे आप आपने हमें दिखाया कि G20 कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद था, पूरी दुनिया ने वहां पर देखा कि इंडिया कैसे वहां पर डिवेलपमेंट कर रहा है, कहाँ के से कहाँ तक वो लेके चले गए कश्मीर को, और वो लोग बिल्कुल खुश हैं, मुतमईन हैं, और हमारे लोग जो है वो हमसे तंग है, परेशान है। तो हमें मेरे ख्याल में अब जान छोड़ देनी चाहिए इस लफ्ज की जो रट लगाई हुई है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो हमें पहले अपने लोगों को मेरे ख्याल में उनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए, अब रुक करते हैं अभिषेक सर की तरफ। अभिषेक सर, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से आपको भी पता है कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को कश्मीर को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि आपको भी पता है कि चाइना में 1600 से ज्यादा मस्जिदें डिमोलिश की गई, उनपे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं हुई। क्या लगता है आपको, एक तरफ से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कश्मीर इंडिया इंडिया के नारे लगाते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें, जैसा कि आपने भी कहा कि POJK में किस कदर प्रॉब्लम्स है, आपको क्या लगता है किस चीज की तरफ इशारा करती है, और जिस प्रकार से पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उन जो कि चाइना में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई वहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट चुप है, आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? देखो बेटा, पाकिस्तान जो एक गवर्नमेंट या स्टेट है ना, ये नॉर्मल स्टेट नहीं है। दुनिया में तीन चार तरीके के स्टेट हैं आज की डेट में। अगर तुम एक स्टेट मतलब एक पॉलिटिकल एंटिटी जिसमें कुछ लोग रहते हैं और उनके गवर्नेंस के मैनेजमेंट को स्टेट कहते हैं, तो एक है जो तुम्हारा जिसको कहते हैं नेचुरल फ्लरिशिंग स्टेट, या जो नेचुरली यू नो इवोल्व हुए हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, जैसे भारत हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सब है। हम ये सब क्या है, नेचुरली ऑर्गेनिकली इवोल्व्ड स्टेट है। इनकी कल्चर, इनकी हिस्ट्री सैकड़ों हजारों साल में डेवलप हुई है। दूसरे हैं सेटलर्स स्टेट, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इजराइल हो गया, ये सारे स्टेट्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सारे स्टेट्स नॉर्मल स्टेट नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके ऊपर बाहर के लोगों ने आके कब्जा कर दिया, ठीक है ना, ये सेटलर्स स्टेट है। अब ठीक है, सर, हजारों साल से चल रहा है, तो अब सैकड़ों सालों से चल रहा है, तो सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, अब उसको लोग मना नहीं करते। अब पाकिस्तान जो है वो न तो ऑर्गेनिकली वर्ल्ड स्टेट रह गया है और ना ही वो एक सेटलर स्टेट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिकली इवोल्व वो इसलिए नहीं है कि वो अपनी जड़ें खोद चुके हैं। वो कहते हैं हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन पे उनके बाप दादा अरसों से रहे हैं वो कहते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब ये है कि वो उनकी गवर्नमेंट जो है या उनके जो लोग हैं वो अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उनके खुद का कल्चर को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने जाएंगे कहेंगे तो भारतीय कल्चर को हम वो कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, इंडियन गाने सुनते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को कहते हैं कि नमस्ते और सत श्री अकाल मत बोला करो, ये बुरी चीज है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, मना करता हूँ अपने बच्चों को। तो अपने आप से नफरत करने वाली कौम जिसको ये पता ही नहीं कि वो कौन है, कौन सा ऐसा अल्लाह या भगवान या जीजस या ग्राइस जो भी है, वो कौन है जो कह रहा है कि नमस्ते मत बोलो, इससे तुम्हारे धर्म पे वो हो जाएगा। क्या अल्लाह ने एक बार अगर सलाम अलैकुम, जो कि एक प्री इस्लामिक प्रैक्टिस है, अरबिक एक प्री इस्लामिक कॉन्सेप्ट है,
खाना काबा प्री इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ने मैंडेट दिया है मुसलमानों को करने के, सारे प्री इस्लामिक हैं। कोई भी उसमें इस्लाम यानी कि वो आयतें उतरने के बाद नहीं शुरू होती, सिवाय इसके कि वो नियम जो उनको दे दिए गए हैं वो पालन करें। तो आप देख लो कि प्रॉफिट मोहम्मद खुद अपनी जमीन से कितना प्यार करते थे कि वो हिजरत के बाद मदीना, जब मक्का आए तो वो अपनी जमीन को, अब मक्का ही आए, वो चाहते तो भाई वो तो पूरे दुनिया के मालिक थे, वो चाहते तो अमेरिका चले जाते, वो चाहते तो भारत चले जाते, वो चाहते तो न्यूजीलैंड चले जाते, पूरी दुनिया उनकी थी, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि गए, अपनी मातृभूमि गए वो। तो आप अपने प्रॉफिट से ही सीखें कि अपनी मातृभूमि से कैसे प्यार करते हैं उन्होंने। आपको जो है, अगर आप ये कह रहे हो कि हमें अपनी नेशन से नफरत है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर आप कहते हो कि एक उम्मत चलाया, तो उस उम्मत के जिस दिन से वो उम्मत शुरू हुई, अरबी उम्मत खत्म हो जानी चाहिए। अरबी खत्म हुए क्या? अरबी अपने आप को अरबी नहीं, वो अरबी लिखते हैं, तो तुम्हें अपनी नेशन में क्यों थक, तुम्हारा नेशन रिलीजन तो चलो इस्लाम है, नेशन क्या है तुम्हारा? तुम्हारी जो जड़ें खोदी जाएंगी तो उसी में से निकलेंगी जहां की आप जमीन पे रहते हो। कश्मीर में रहोगे और आप कश्मीरी कहते हो, कश्मीरी में शारदा लिपि डेवलप हुई, आप शारदा लिपि नहीं यूज करोगे, आप कश्मीरी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, वहां पे उर्दू बोलोगे, वहां पे अरबिक लैंग्वेज नाफिज करोगे, और कहोगे कि हमको जो है, हम कश्मीरी, हमको स्पेशल राइट दो। भाई कश्मीरी तो शारदा लिपि लिखेगा ना, जो कि 6वीं शताब्दी में डेवलप हुई, उसके पहले भी जो चीजें डेवलप हुई। आप कैसे कश्मीरी हो कि आप यूज कर रहे हो उर्दू लिपि, और कह रहे हो कि उर्दू स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, कह रहे हो कि हम कश्मीरी हैं। कश्मीरी का मतलब कश्मीर का भाषा बोलने वाला, या कश्मीर में कोई भी भाषा बोलने वाला कश्मीरी हो जाएगा क्या? मैं कश्मीर में जाऊं और तमिल बोलूं, तेलुगु बोलूं, तो क्या मैं कब कश्मीरी हो जाऊंगा? तो ये देखो, पाकिस्तान बेटा, पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट, पाकिस्तान इज अ निगेटिव स्टेट। पाकिस्तान ये नहीं सोचता कि हमारे लोगों की भलाई किसमें है, पाकिस्तान ये सोचता है कि हिंदुस्तान की बुराई किसमें है। वो ये नहीं सोचता कि हम अपने को कैसे, अपने लोगों की सहूलियत कैसे देखें, वो देखता है हिंदुस्तान कैसे नुकसान में आ जाए। तो जब आपका सारा ध्यान, आपकी जो लॉयल्टी एक्सटर्नल, आपकी जमीन में कुछ नहीं है, आपकी जमीन को मतलब कोई अरबिक, एक प्राउड अरबिक कभी ये करेगा कि वो अरेबिया के शहर का नाम, हिस्टोरिकल शहर का नाम चेंज कर दे इंडियन शहर के नाम पे? एक गली का नाम रखना इंडिया के किसी सिटीजन के नाम पे एक अलग चीज है, अपनी शहर का नाम आप सोच सकते हो कि मक्का का उठा करके नाम काशी रख दे, ये हो सकता है कभी? अरे भाई, आप देख लो, मैं अलमाटी में रहता हूं, ये रहता था जब मैं उज्बेकिस्तान में गया, उन्होंने एक शहर, एक गली का नाम नहीं रखा है अरबी नाम पे। उनके सारे शहरों के नाम जो उनके बाप दादा सैकड़ों हजारों साल पहले देते थे, वही के वही। सो पाकिस्तान बेटा अपने लोगों से वो जुड़ा ही नहीं है, उसकी एक है सिर्फ वो कैसे हम जो है वो बाहरी दुनिया, बाहर के लोगों को इम्प्रेस करें। वो ये नहीं समझ रहे, तो अपने लोगों को इम्प्रेस करेंगे तो बाहर के लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। इसलिए इनके यहाँ पे कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल नहीं है, इस्लाम नॉर्मल नहीं है। अरे भाई, सेंट्रल एशिया में भी इस्लाम है, वहां के लोग तो नहीं पागल हुए जा रहे दुनिया भर को कन्वर्ट करने के लिए? वो तो नहीं बुला रहे हैं कि हमारा 1 करोड़ की आबादी है तो चले आओ सब, हमको यहाँ पे 10-10, 15-15 लोगों को बढ़ा करके इस्लामिक लाइन। आप जरा जाके देखो, कजाकिस्तान में वीजा ही नहीं देंगे वो आपको। कजाकिस्तान लिखता है कि 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज इस्लाम हियर, बट इट इज नॉट एन इस्लामिक लैंड। ये डिस्टिंक्शन ही नहीं समझ में आ रही पाकिस्तान के लोगों को, और कहते हैं कि हमारे तो जो जो आदर्श है वो तुर्क है, वो तिमूर है, वो बाबर है, वो अकबर है। अरे तुम बाबर अकबर के घर में जाके देखो वो क्या लिख रहे हैं। उज्बेक लिख रहा है कि इट्स अ सेक्युलर सोसाइटी, यहाँ पे उज्बेक का ये लैंड है, ये लैंड इस्लामिक नहीं है, कजाकिस्तान नहीं है। अभी बोलो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बेटा पढ़ के सुना दूं। तो रिलीजन को अपना पर्सनल अकीदा बनाओ, वो कम्युनिटी का अकीदा नहीं, आपकी टोटल और सोल आइडेंटिटी नहीं हो सकती कि मैं, आप कौन है, मैं मुसलमान, बात खत्म। अब मुसलमान है तो आपकी भाषा क्या है? वो उर्दू है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के प्रॉब्लम, मुसलमान की प्रॉब्लम यह है कि वो मुसलमान होने का मतलब है उसने कुछ सेट प्रिंसिपल बनाए, भाषा क्या होगी मुसलमान की? उर्दू। क्यों भाई क्यों? तो फिर अरबिया का मुसलमान मुसलमान नहीं है?
ये अलमाटी का मुसलमान, कजाकिस्तान का मुसलमान मुसलमान नहीं है क्योंकि तो उर्दू नहीं बोलता। तो अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीरी बोल रहा है तो मुसलमान नहीं होगी, अगर वो अपनी मातृभाषा में बात करता है, मातृभाषा की लिपि को यूज करता है तो मुसलमान नहीं होगा। एक बेटा कंसेप्ट ही क्लियर कर, इन्होंने ना एकदम चीजों को इतनी कंफ्यूज कर दी है, नेशनैलिटी, ज्योग्राफी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबको मिला दिया है, हर चीज को ये जो है वो एक पर्टिकुलर नजरिए से देखते हैं। और यही प्रॉब्लम है, जिस दिन बेसिक समझ जाएंगे कि भैया हाँ यही हमको ऐसे चलना है जैसे हमारे मुगल, ये भैया मुगलों को फॉलो करें, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सारे पाकिस्तानियों से, मुगलों को फॉलो करो, आज के प्रेजेंट मुगलों को जाओ देखो, भगवान के लिए अल्लाह के लिए हम पे तरस खाओ, जाके उज्बेकिस्तान में रहने वाले उज्बेकों को देख के आओ, जाके कजाकिस्तान में देख के आओ जो तिमूर के वंशज हैं वो कौन है। मेरी क्लास में तिमूर नाम के बच्चे होते थे और मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुम रशिया से लड़ने जाओगे अपने देश के लिए, उसने कहा वो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, जिनके नाम तिमूर हैं, जो ओरिजिनल खान है, खान का मतलब वो रूलर होता है, जो ओरिजिनल खान है, यहाँ पे इंडिया में एक पतला दुबला बड़ा डार्क सा व्यक्ति होगा उसका सरनेम खान है, सेंट्रल एशियन से पूछो वो एक्सेप्ट करेगा उनको खान के रूप में, हर कोई खान है यहाँ पे, जिसको देखो खान है, सरनेम यू चेंज कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा आप मुगलों को फॉलो करते हो बहुत अच्छा, मुगल बेस्ट थे, उनसे बढ़िया कोई आया ही नहीं जीवन में, उनको अब तो फॉलो करो, अगर मुगल हिंदुस्तानी बन गए तो हिंदुस्तानी फिर तो उनके बाप दादा भी तो हमारे बने ना, अगर मेरी शादी होती है तो दो परिवारों की होगी ना, मुगल भारतीय बन गए तो फिर जो मुगल थे वो भी तो भारतीय बने ना, अगर भारतीय मुगल बन गए तो मुगल भी भारतीय बन गए, उनका परिवार भी तो जाके देखो वो कैसे रह रहे हैं, एक तरफा चल रहा है भाई। समरकंद हमारे नाना का घर हो गया ना, अगर दादा का घर दिल्ली है इलाहाबाद है तो समरकंद नाना का घर है, जाओ समरकंद घूम के आओ, अलमाटी घूम के आओ, देखो उनकी जीवन शैली, मुगलों के वंशज कैसे रह रहे हैं, वो बेस्ट हैं, हम तो चलो घटिया लोग हैं, जी सर। यही है सर मेरा आपसे पाकिस्तान। दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपको भी पता है हमारा नया पार्लियामेंट बन चुका है, नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, जहां पे ये क्लियर एग्जाम्पल थी कि प्रधानमंत्री इक्वली कितने लोगों से प्यार करते हैं, चाहे किस भी रिलीजन के हो। वहां पे कुरान शरीफ की तिलावत भी की गई, वहां पे भजन भी पढ़ा गया, लेकिन पाकिस्तानियों को एक और चीज हजम नहीं हुई, वो है अखंड भारत, जो कि हमारे पार्लियामेंट में वो म्यूरल लगा है वहां पे, उस पे जो है पाकिस्तानियों ने अपोज किया है। क्या लगता है आपको, आखिर उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे न्यू पार्लियामेंट के उस म्यूरल पे अपोज क्यों किया है, और वो बार बार ही इंडिया 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 ऐसा क्यों करते हैं? भाई पाकिस्तान की जिस पाकिस्तान का डेफिनेशन क्या, ये कहते हैं पाकिस्तान का डेफिनेशन, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे भाई सऊदी अरेबिया का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये कैसे हो जाएगा, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा, अफगानिस्तान का मतलब ला इलाहा, सऊदी अरेबिया का भी मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर सब एक हो जाओ भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम। देखो बेटा बात ये कि मान लो हम मेरे भाई हैं ठीक है ना, जो पाकिस्तानी है वो हम लोग के ही परिवार का हिस्सा है, उन्होंने कहा मैं अपना घर दो अलग, हमने दे दिया। अब मैं जब हूं मैं अपने पुराने घर का पूरा पिक्चर नहीं लगा सकता कि ये पूरा बंगला देखो हमारा हुआ करता था, अब ये कह रहे नहीं बंगला क्यों लगा रहे हो, ये बंगला लगा रहे हो हमारा दिल टूट रहा है, अरे भाई ऐसा दिल क्यों बना रहे हो, हर छोटी बात पे टूट जा रहा है, दिल ना हुआ वो कांच की गिलास हो गई है भाई, उसमें खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं। मुझे एक फ्रेंड्स एपिसोड देखा तुमने कभी, फ्रेंड्स एक सिटकॉम हुआ करता था, उसमें ना वो जो मोनिका है वो एक बड़ा चाइनीज का चाइनीज कोई वो क्रॉकरी लेके आती है, वो उसको बाहर नहीं निकालती है क्योंकि उसमें लोग खाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो उसी टाइप का दिल हो गया, हर छोटी बात पे नाराज हो जा रहे हैं, ऐसी जहनियत क्यों बनानी जो इतनी सेंसिटिव है, जहनियत हमारी जैसी बनाइए कि हमको गाली देते हो, हर दुनिया की किताब में हमारी हिस्ट्री को हमारे कल्चर को बुरा भरा लिखा लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम उन सोसाइटी से प्यार करते हैं आज भी प्यार करते हैं, तो पॉइंट ये कि ये अपनी हिस्ट्री नहीं मानना चाहते, अपने बैकग्राउंड को नहीं मानना चाहते, ये सोच रहे कि 1947 के बाद का सब खत्म कर दे, रबड़ से मिटा दे, नहीं मिटा सकते भाई, वो म्यूरल वो ये दिखा रहा है कि भारत यहां तक था, हम ये कब कह रहे हैं कि वापस मिल जाओ, हम कह रहे भारत यहाँ तक था, आप इसका हिस्सा हुआ करते थे, आज आप चले गए, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पॉलिटिकल सेपरेशन एक अलग चीज है, कल्चरल सेपरेशन कैसे करिएगा, उर्दू बंद कीजिए क्योंकि उर्दू हिंदी है बेसिकली, सारा ग्रामर हिंदी, वर्ड्स हिंदी, उसकी जो जो उसकी ओरिजिन है वो हिंदुस्तान, बंद कर दें उसको। अब पाकिस्तान की लड़कियां सलवार सूट पहनती है कहती हैं ये इस्लामी ड्रेस है,
भाई मैं तो तुर्की में गया, मैं दुनिया भर के मुसलमानों से मिला, मैंने कहीं सलवार सूट नहीं पहनते हुए देखा, ये सिवाय हिंदुस्तान के, वो इस्लामी ड्रेस कैसे हो गया। पॉइंट ये है बच्चे कि इन ये अपनी हिस्ट्री से नफरत करते, तो सोचे हम भी अपनी हिस्ट्री से नफरत करें। नहीं हो सकता, हमारी हिस्ट्री ही हमारे भारत का मतलब हिस्ट्री, भारत में तो हिस्ट्री निकाल दो बच्चा, और पाकिस्तान का मतलब हिस्ट्री का निगेशन। तो बिल्कुल. ये समझ रहे हैं कि हम इनको पॉलिटिकली छोड़ चुके हैं। जैसे आप बड़े हो जाओ, शादी हो जाए आपकी, तो आपको जाना पड़ेगा ना अपने हस्बैंड के घर, मम्मी पापा आप कैसे छोड़ देंगे कि जाओ बेटा तुम्हारा घर हो गया वो, लेकिन वो आपसे अपना संबंध थोड़े तोड़ देंगे, आप समझ रहे हैं, आपसे संबंध थोड़े तोड़ देंगे। बेटी तो तुम तब भी रहोगी ना, वो आओगी जाओगी, वैसा हक नहीं रहेगा कि भाई हम वहीं पे रह जाए, लेकिन वो तुम्हें उसी तरीके से प्यार करेंगे। वही बात है भाई, घर आपका अलग हो गया, पर कल्चरल रिश्ते क्यों तोड़ने, भाई भाई क्यों नहीं रह सकते हम। तो यही है मेरा, दिस इज व्हाई दे हेट, कोई रीजन नहीं, अपने आप से नफरत करते, क्या बोले हम उसको, अब उनको तो देखिए, करना चाहिए। आपसे जानेंगे, यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तानी भी है, मुजफ्फर चौधरी साहब हमारे साथ है, आपसे जानेंगे. आपको क्या लगता है, किस नजरिए से देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स ने अखंड भारत के म्यूरल को अपोज किया है? क्या लगता है आपको, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान में किस तरीके का सिनेरियो था? पाकिस्तान में जब आप पब्लिक रिएक्शंस लेने गए, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर अभिषेक जी की बात को सेकंड करूंगा। मैं कल ही मैंने वीडियो बनाई है, पंजाबी के अंदर वीडियो बनाई है, कि यहाँ पर मैंने लोगों से पूछा है कि आपके जो अबाओ अजदाद थे, आपके जो इंसेस्टर थे, वो कौन थे। तो उन्होंने सबने ये बोला कि जी हमारे जो हम आए इंडिया से, किसी ने बोला जी मैं जलंधर से आया हूँ, किसी ने बोला मैं हुशियारपुर से हम आए, हमारे जो फोर फादर्स से, किसी ने बोला लुधियाने से आए। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपके जो उनका मजहब क्या था, जो आज से अगर 500 साल या 800 साल पीछे चले जाएं, तो आपके जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनका मजहब क्या था, नहीं जी वो इस्लाम था। मैंने कहा चले उससे पीछे चले जाएं, 712 में इस्लाम आया इस खत्ते में, उससे पहले आपके बड़े क्या थे, नहीं जी हमें नहीं पता, हम नहीं जानना चाहते, ना ही हमें इस चीज का शौक है। तो बिल्कुल ये मैं फिर यहाँ कहना चाहूंगा कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना नहीं हिस्ट्री चाहते. नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ये मानना ही नहीं चाहते कि हम इंडियन हैं। यानी ये यहाँ पर मैं, अभिषेक भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तानी बिल्कुल ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हम किसी जमाने में इंडियन थे। हाँ ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से माइग्रेट हमने किया है, बस वहां तक मानते हैं कि जी हमने माइग्रेशन की है वहां से, हमारे बुजुर्गों ने, उससे पहले क्या थे हम, कौन सा धर्म था हमारा, हमारा जो इलाका था, हमारा जो वो खित्ता था वो क्या था, इस बारे में ना तो वो सुनना चाहते हैं, ना वो जानना चाहते हैं, और ना ही उनको अगर बताया जाए तो वो तस्लीम करते हैं। यही हाल हमारी गवर्नमेंट का है। तो बिल्कुल ये आप देखें कि आपके जो जो हिंदू धर्म के पहले जो मेरे ख्याल अशोका जी थे, ये उनकी ही, अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पर अभिषेक जी मुझे बताइएगा, जो एक वहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो नक्शा लगाया, मेरे ख्याल में उनकी जो हुकूमत थी जहां जहां तक फैली हुई थी, वही वो अखंड भारत का जो नक्शा उन्होंने लगाया हुआ है उसी के बारे में है शायद वो। अब मुझे करेक्ट करें अभिषेक भाई, बताइएगा जरा, हाँ नहीं ऐसा ही देखिए है ना? अखंड, हाँ, ऐसा ही है अखंड भारत का मैप। देखिए इंडिया एक कॉन्क्वेस्ट वाली कंट्री नहीं है, इंडिया कल्चरली इन्वॉल्व हुई है। इंडिया की ये जो टेरिटरी आप देखते हैं वो किसी मौर्यन डायनेस्टी की मोहताज नहीं है। अशोक के पहले क्या था, चलिए अशोक ने एक मौर्यन डायनेस्टी बना दी, अशोक के पहले क्या था, भारत नहीं एग्जिस्ट करता था। भारत कल्चरल फिनोमिन, अशोक, राम राम तो कई वर्ष पहले आया अशोक से, महाभारत तो कई वर्ष पहले हुआ अशोक के। तो देखिए ऐसा है कि इस्लाम में टेरिटरी यानी स्टेट का कंसेप्ट कॉन्क्वेस्ट बेस्ड है, कि भाई तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, नंबर वन कन्वर्ट हो जाओ, बात खत्म हो गई, हमारे में से एक बन जाओ, नंबर टू अगर नहीं कन्वर्ट हो रहे हो तो जजिया दो, हमसे छोटे होके रहो और हम इलाका हमको दे दो, नंबर थ्री लड़ लो, लड़ लो फिर फायदा हो जाए, जो जीत जाए वो उसका इलाका है। ये है इस्लाम की ग्रोथ का फिलॉसफी, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो सिंपल फिलॉसफी है। इंडिया की ग्रोथ की फिलॉसफी ये नहीं है, इंडियन टेरिटरी जो आज आप देखते हैं इतनी लंबी, और इंडियन टेरिटरी सिर्फ इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की फिलॉसफी इंडिया से बाहर पाई जाती है। थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये इधर आप चले जाए लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, आपको इवन अजरबैजान हो गया, वहां सब जगह आपको इंडियन ट्रेसेस मिल जाएंगे। पॉइंट मेरे कहने का ये मतलब है कि इंडिया का जो आज आप ज्योग्राफिकल मैप देते हैं, मैं आपको
ये बता दूं, ये क्या नाम है, विष्णु पुराण में अगर आप पढ़ेंगे उत्तरस वाला जो डेफिनेशन है, इंडिया का जो 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 डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ दूं। उत्तरस्य यत्र समुद्रस्य, ठीक है ना, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यही है, ये कोई अशोक के समय से आया हुआ है। इंडिया इज नॉट अ कॉन्क्वेस्ट बेस्ड टेरिटरी, इंडिया इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम कॉन्क्वेस्ट को वैल्यू नहीं देते कि हम कभी हारे होंगे, कोई हमारे पर रूल किया, वो हमारी सत्ता का निर्माण नहीं करता। हमारी राज सत्ता, कल्चरल सत्ता का निर्माण हमारी कल्चर से होता है, हमारी ये जो फिलॉसफी की ट्रेवल से होती है। कौन आया, कौन जीता, कौन मौर्यान, कौन सम्राट अशोक गुप्त, ये सब आए गए, ये राजनीतिक सत्ता से भारत का निर्माण नहीं हुआ है, भारत का निर्माण कल्चरल सत्ता से हुआ है। ये समझना पड़ेगा लोगों को। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम यानी अब्राहमिक रिलीजन, ये राजनीतिक सत्ता के थ्रू फैले हैं, ये तलवार के दम पे फैले हैं, इसको तो कोई डिनाई नहीं करता। ये तो आपके यहाँ के मैंने इंजीनियर असगर अली मिर्जा को सुना है, वो ये कहते हैं भाई इसको तुम सच को कैसे नहीं डिनाई करोगे, क्योंकि जब तक, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई तब जाकर के इस्लाम फैला। लेकिन हमारे यहाँ किसने तलवार उठाई ये कहने के लिए कि भारत बनाओ और हिंदुइज्म फैलाओ, सनातन फैलाओ, वेद फैलाओ, ये कौन तलवार उठाए? कभी तलवार नहीं उठी वेद के लिए, बल्कि वेद जब आया उसके तुरंत बाद वेद को क्रिटिसाइज करने वाले चरवाक फिलोसफी के लोग आ गए, जिनको भी हमारे यहाँ ऋषियों का दर्जा मिल गया। उन्होंने कहा वेद में जो लिखा है सब बकवास लिखा। तो पॉइंट ये है कि भारत तलवार की जोर से फैला हुआ टेरिटरी नहीं है, ये कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ। तो ये जो भारत का जो म्यूरल आप देख रहे हैं, ये भारत की कल्चरल सत्ता को दिखाता है, और आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कल्चरल सत्ता पे बना हुआ है, यानी कल्चरल आइडेंटिटी पे बना हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको आप नेशन स्टेट कहते हैं, कि हर कल्चर को उस, यानी कि हर नेशन को, कल्चर मीन्स नेशन, हर कल्चर को, हर नेशन को उसका पॉलिटिकल राइट दे दो कि वो कैसे रहना चाहता है, कैसे जीना चाहता है। वो दुनिया ने हमारी बात मानी। मैंने आपको ये बता दिया कि अब आप देखिए ये जो डेफिनेशन है उत्तरस्य यत्र भारत, उसका क्या मतलब है? उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी कि समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में रहने वाले जो भूभाग है उसको भारत कहते हैं, और यहाँ पे रहने वाले को भारत की संतति कहते हैं। वो ये कब कह रहे हैं कि ये अशोका ने जो जो टेरिटरी खींची वो है भारत? इंडिया इज नॉट अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इंडिया इज रादर, लेट मी रिकरेक्ट माई सेल्फ, रिफ्रेज माई सेल्फ, इंडिया इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इंडिया इज अ कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। वेर एज इस्लाम इज प्रिसाइसली, जब तक वो सऊदीया में रहेगा तो वो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, जब वो सऊदी के बाहर जाता है तो वो कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, वो फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से निकालना पड़ता है। जब आप पॉलिटिकल कंक्वेस्ट की बात करते हो ना, पॉलिटिकल, जैसे ये जो मुगल का क्लेम क्या है कि इन्होंने यहाँ के लोकल राजाओं को हरा करके वो किया, पॉलिटिकल पावर पाई, पॉलिटिकल पावर। जैसे आज आप मोदी जी कैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि लोगों ने चुना उनको, मुगलों को क्या, लोगों ने चुना था क्या? ये जो बाहर के जो आक्रांता है उनको लोगों ने चुना था? लेजिटिमेसी ऑफ पावर हम ऐसे नहीं मानते। और क्या ये एक बात बताइए, जो लोग हमें कहते हैं कि मुगलों को अपना लो, मुगलों को अपना लो, और वो ओसामा बिन लादेन में भले मुंह पे कुछ ना कहे लेकिन दिल में उसके लिए वो रखते हैं, प्यार रखते हैं, क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया की पवित्र धरती पर अमेरिकन फोर्सेज का बूट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही तो उसकी डिमांड थी, इसलिए तो वो लड़ रहा था। तो सऊदीया में अगर कोई बाहर का बूट रखे तो उसको तुम अपना नहीं मानोगे, लेकिन भारत की भूमि पे कोई भारत का बूट आए तो बोलो हाँ, यहाँ के लोगों को मारा, यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, यहाँ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, तो वो बहुत अच्छी चीज है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर ओसामा बिन लादेन गाजी है और इस्लाम का मुजाहिद है, तो फिर भाई यहाँ पे शिवाजी भी वही तो गाजी है, क्योंकि शिवाजी भी यही कह रहे थे कि हमारी धरती पर मुगलों का पैर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मंदिरों को तोड़ रहा है। ये दो डबल स्टैंडर्ड क्यों? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का में हराने के बाद मक्का ही आए लोगों को, यात्रिब यानी जिसको आज की डेट में मदीना कहते हैं, वो भी यात्रिब में जीतने के बाद मक्का ही आए, कुरेशों को उन्होंने हराया तो अपने घर ही आए ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद तो दुनिया के सरताज मालिक थे, सारी दुनिया उनकी है, पृथ्वी उनके पैरों की धूल है। वो चाहते तो अमेरिका कैनेडा चले जाते, नहीं गए वो चाहते चिली चले जाते, नहीं गए वो
वो चाहते हिंदुस्तान में, दिल्ली में आ जाते, कौन रोकता प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके सामने तो विसात क्या है दुनिया की। लेकिन क्यों गए वो मक्का, अपनी जमीन से प्यार, मातृ वतन को, वो अपनी जमीन को प्यार कर रहे। उन्होंने अरबी, भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो सारी पावर थी, नई भाषा का इजाद कर देते, अपनी मातृभाषा में क्यों बात की उन्होंने? क्योंकि अगर नई भाषा का इजाद कर देते तो दुनिया को इस्लाम का पैगाम भी आसानी से मिल जाता। लेकिन उन्होंने उस भाषा को चुना जिस भाषा में जाहिलियत फैलाई जा रही थी, वो थी अरबी। क्योंकि अगर इस्लाम के आने से पहले जाहिलियत थी तो किसी भी जाहिलियत को बढ़ाने का काम उसकी उसकी भाषा करती है। लोगों को आइडियाज बताने वाली तो भाषा ही होती है ना, कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि पूरे कायनात के स्वामी है, पूरे कायनात पे उनके ऊपर कुर्बान, उन्होंने नई भाषा का निर्माण क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने क्यों अपने पूर्वजों की भाषा को एक्सेप्ट किया? तो आप अपने पूर्वजों की भाषा को लात मार रहे हो, और जिनको आप अपना, जिनके आप उम्मती बोलते हो, वो उनको ही सीख लो, उनको सीख लो। उन्होंने अपने लैंड से कितना प्यार किया, उन्होंने कौन सी एक प्रैक्टिस बताइए जो उन्होंने, वो शिर्क को छोड़ के कौन सी एक प्रैक्टिस थी जिसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या उन्होंने कहा भाषा छोड़ दो? क्या उन्होंने कहा कपड़े छोड़ दो? यहाँ का हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुसलमान वो अचकन कुर्साले को समझ रहा है मेरा ये इस्लामी ड्रेस है। फॉर गॉड सेक, हाउ कम अचकन बी एन इस्लामी ड्रेस? इस्लामी ड्रेस जो भी है वो अरबों का ड्रेस ही है, इस्लामी ड्रेस होगा। आप वुजू करने को समझते हो कि बहुत बड़ी चीज है। मैं मिडिल ईस्ट में, अरे सेंट्रल एशिया में था, वहां पे जब लोगों को पता चला कि भाई वुजू करना पड़ता है नमाज के लिए, वो बेचारे कांप गए, -40 डिग्री में पानी कहां से लाएं, और पानी लाएंगे तो वो तो उनका हाथ ही अकड़ जाएगा। अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है भाई, अलग अलग समाज के हिसाब से। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी धरती से प्यार करते थे, अपनी धरती पे वापस के इतना प्यार करते थे कि उन्होंने कहा लोगों को कि तुम पहले शुरू में उन्होंने यह ऑर्डर दिया था कि जेरूसलम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, क्योंकि वो ईश्वर का घर है। लेकिन सोचिए उनकी धरती के प्रति उनका प्यार, उन्होंने कहा कि अब ईश्वर, अब तुम जेरूसलम की तरफ नहीं करोगे बल्कि तुम्हारा सब मक्का की तरफ होगा। कहा कि नहीं कहा प्रॉफिट मोहम्मद, सारे मुसलमानों को दुनिया के हक दिया कि अपनी जमीन से इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट प्यार कर रहे हैं कि उन्होंने जेरूसलम, जो सबसे मुकद्दस जगह है, अल्लाह का घर है, उसको भी मना कर दिया, क्योंकि गॉड ऑफ इज़राइल तो वही है। जी तो देखिए बिल्कुल अभिषेक भाई, जब वो मक्का छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जब निकले शहर से बाहर तो मक्का की तरफ वापस मुंह करके उन्होंने कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता। मक्के को मुखातिब होकर कहा कि मेरे तू शहर, मैं तुझे कभी छोड़ के ना जाता अगर तेरे रहने वाले मुझे इतना तंग ना करते यहाँ पर। तो वाकई वो अपनी मट्टी से, अपने शहर से, अपने इलाके से, अपनी जुबान से, अपने कल्चर से बहुत उनको प्यार था। तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तानी वाकई इसमें, पाकिस्तान को ना तो अपने इलाके से प्यार है, ना पाकिस्तान को अपने कल्चर से प्यार है, ना अपनी हिस्ट्री से प्यार है यहाँ पर। और जो आपने बात की थी जो मोरल की, जो लगा हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो पाकिस्तानी यहाँ पर डर रहे हैं वो, ये यहाँ पर एक बात फैलाई जा रही है कि आरएसएस का जो एक नजरिया है, या जो मोदी साहब जो हैं वो हिंदुत्वा की जो एक चीज को लेके आगे जा रहे हैं, उनके जहन में ये चीज है कि वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से कब्जा कर लेंगे। ये यहाँ पर एक ये समझे कि कंफ्यूजन जो फैलाई जा रही है कि इस वजह से इस पे थोड़ा सा एतराज उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर से कि दोबारा से जो उन्होंने वो जो अखंड भारत का एक मोरल या नक्शा जो लगाया हुआ है वो उनके जहन में अभी भी वो चीज चल रही है कि वो जो एक ये इलाका है इसको दोबारा से डिस्कवर किया जाए। देखिए मुजफ्फर भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसा समाज बनाने का क्या फायदा है यार, जो झूठी बातों पे एकदम वो हो जाता है कि वैक्सीन आ रही है तो तुम मत लगवाओ क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा होंगे। ये कैसा समाज बना दिया आपने? वो समाज को कोई भी झूठी बात दे वो मान जा रहा है। वो समाज में कोई तो पढ़ा लिखा हो यार, इतनी सेंसिटिव दिमाग क्यों बनाना किसी समाज का? मैं ये बात कह रहा हूँ, आप उन लोगों से पूछें कि ऐसा समाज का निर्माण करके क्या आरएसएस खा दे? आरएसएस क्या कह रहा, मिट्टी से प्यार करो? आरएसएस ने कब कहा कि अपना धर्म छोड़ दो? मैं भी नहीं कहता भाई आपको ईश्वर में अकेदा है, अल्लाह अल्लाह ताला से प्यार है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, प्यार कौन बोला उनको छोड़ दे? आप मानते हो क्या इस्लाम को? आपने शरिया लॉ लाया हुआ है, ये इमरान खान कह रहे हैं कि हम रियासत मदीना लाएंगे तो इनको सबसे पहले पार्लियामेंट को बंद करना चाहिए। रियासत मदीना में इलेक्शन कब हुआ था? कौन सा इस्लामिक मुल्क है जो कि अरबी मुल्क है जिसके यहाँ इलेक्शन है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? कौन सा है? सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, बहरीन में है, कुवैत में है, कहाँ है?
रिया से मत लिखना चाहते हो, ये डबल स्टैंडर्ड, नहीं मानते आप इस्लाम को, आपका इस्लाम वो वाला इस्लाम है, वो बेकार वाला चूजों वाला इस्लाम है। अगर आप सही इस्लाम मानते तो आप फिर शरिया लागू करते, बंद करते ये सारे के सारे ये जो नाटक हैं, ये पार्लियामेंट के और कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप आग लगा देते। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चल रहा है? आईपीसी भी चल रही है, शरीयत कोर्ट भी चल रहा है, यही डबल स्टैंडर्ड आपको खा रहा है ना। तो आप और इसीलिए आपसे आईएसएस, आईएसएस भी आपको इस्लामिक नहीं मानता, अरबी इस्लामिक नहीं मानते, आपको अफगानी भी इस्लामिक नहीं मानते, टीटीपी कह रहा है कि हमें दे दो, हम तुमसे अच्छा इस्लाम चला के दिखा देंगे। आपके लोगों का इस्लाम सिर्फ एंटी इंडिया है, अपनी आइडेंटिटी को, और ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, मेरा एक दोस्त आली उसने कहा था, भारत का मुसलमान मीट खाने वाला मुसलमान है, वो मीट खाने को इस्लाम समझता है, भारत का मुसलमान सिर्फ अपनी अपनी आइडेंटिटी को विरोध करने को इस्लाम समझता है। वरना मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी प्री एग्जिस्टिंग अरबिक प्रैक्टिस को कैंसिल किया सिर्फ वो शिर्क को छोड़ के? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कपड़े चेंज कर दो, मत पहनो ऐसे कपड़े, नहीं कहा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मैं नई लैंग्वेज लेके आ रहा हूँ, वो तो भाई सारी दुनिया के मालिक हैं, वो तो लिया देते, नहीं लाया उन्होंने, उन्होंने कहा अरबी में चलेगी बात, अरबी कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई क्या? अरबी सैकड़ों हजारों साल से थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्लेवरी को खत्म कर दिया क्या? नहीं किया, वो वहां सैकड़ों वजहों से चल रही थी, उन्होंने कहा। बल्कि अगर आप सूरह मोमिनीन पढ़े, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोमिनीन, मोमिन की कौन मोमिन है, उसमें यह है कि जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे सिवाय अपनी पत्नी और उन उन मलिक उन लोगों के साथ जो उनका दाहिना हाथ पजेस करता है। मेरे ख्याल से आप समझते हैं मुझसे ज्यादा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो कौन है जिसको दाहिना हाथ पजेस करता है। तो कौन सी प्रैक्टिस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्री इस्लामिक थी चेंज की? काबा वही रहा, खाली उसकी मूर्तियां टूटी। और ये जो हज होता है, ये क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नहीं होता था? होता था, वहां पे कारवान आकर के चारों ओर चक्कर लगाते थे। प्रॉफिट मोहम्मद जब साल के थे, वहां पे पानी पिलाने का ठेका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। तो उन्होंने तो सारी प्रैक्टिस प्री इस्लामिक राज करी। भाई तुम्हें अकीदा मानना है तो मक्का को अपना घर मानो, बहुत अच्छी चीज है, सबसे पवित्र जगह वही है। शिर्क घटिया चीज है, मत मानो मूर्तियों को, अपनी मिट्टी को तो मानो। ये तो नहीं कहा ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अपनी मिट्टी को मत मानो, अपनी भाषा को मत मानो, अपनी वो तो खुद कह रहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से प्यार करो, उनका तो एक कॉल भी है। ये किसके लिए था आप समझे? ये उनके लिए था क्योंकि उनके साथ जो 10-15 लोग भाग के आए थे या 100-150 लोग, जब वो यात्री में आए, और चूंकि यात्रियों में यहूदियों का वो था ज्यादा वो था, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे आए हो तो यहाँ से प्यार करो। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को ये जब अगर भारत का ही मुसलमान मुसलमान बन रहा है तो उसका मुल्क है ना। अगर अरबी मुसलमान भारत में आके रिफ्यूज ले रहा है तो वो कह रहे हैं उसके लिए कि भाई तुम जहां हो वहां प्यार करो। भारत के मुसलमान को वो क्या बोलेंगे? भारत के मुसलमान तो भारतीय है भाई, और वो चाह करके भी नहीं बन सकता, अरबी वो समझता नहीं है। 95% लोग अरबी नहीं समझते, 95% लोग कैमल का वो नहीं पी सकते सुसु, 95% लोग कैमल का मीट नहीं खा सकते, 95% लोग उस तरीके की हार्श लाइफ नहीं जी सकते जैसा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते थे। अरे बाबा, आप वही बात हो गई ना कि रोजे का कंसेप्ट जो है कि भाई रोजा में है कि एक महीना बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, कम खाओ। अब आपने क्या किया कि जैसे ही सवेरे का 4 बजे हुआ, सहरी खाली 2000 कैलोरी सैलरी में चली गई, और उसके बाद शाम को जब वो क्या इफ्तारी आई तो 5000 कैलोरी उसमें अंदर आ गई। तो पर्पज रोजे का क्या था कि भाई बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, थोड़ा सा हेल्थ हो जाए, अच्छी ऑर्गन्स हो जाए, वो चला गया तेल लेने। अब शाम को मैंने 2-3 जगह इफ्तारी की थी, ये पकौड़े छन रहे हैं, ये वो कैलोरी देख के मेरी 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 सूख गई। मैंने अभिषेक भाई, हमारा वजन बढ़ जाता है रमजान में, हमारा वजन बढ़ जाता है पहले से, और पर्पज है कि वजन घटना चाहिए। तो ये मिस का, अब रोजे ये क्या कह रहे हैं ना, मैंने देखा है पाकिस्तानी इस्लाम को गलत तरीके में ये लोग ले रहे हैं, इस्लाम को गलत तरीके में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी। इनको नहीं समझ में आता ना, देखो आप जहाँ पे रह रहे हो 95% वही कल्चर है आपका, शादी ये पाकिस्तानी हिसाब से करते हैं, अरे हिंदुस्तानी हिसाब से करते हैं। हमारी यहाँ की लड़कियां एक पति के अलावा बर्दाश्त ही नहीं करेंगी कि उनका कोई दूसरा पति हो जाए, उनका पति जो है दूसरा गर्लफ्रेंड ले आए। वहां पे लड़कियां मेंटली ग्रूम्ड हैं, वो क्या हमारा एक चार पति होना, चार बीवियां होना नॉर्मल है। हमारे यहाँ तो आपके हाथ पे नोच लेगी वो, जा करके देख लो उसके साथ। पॉइंट मैं ये क्या कह रहा हूं कि ये आप धर्म और कल्चर में तो आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान में करते हो भाई, नहीं है तुम्हारे यहाँ इस्लामिक लॉ,
वो गलत नहीं कहता टीटीपी जब कहता है कि तुम तो नकली मुस्लिम हो, क्योंकि तुमने खाली ढोंग किया हुआ है मुसलमान होने का, एक अपने ढंग से अपनी मर्जी का जो है कि हम किसी लॉज को नहीं मानेंगे और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं बनेंगे, इस्लाम का सहारा लेते हैं इसके लिए, आप कोई भी काम नहीं करना है इस्लामिक लॉ घुसेड़ दो उसमें, भाई हम बिजली का बिल नहीं देंगे इस्लाम घुसेड़ दो उसमें, हम किराया नहीं देंगे उसमें भी इस्लाम दे दो। आपके यहाँ पे जो सबसे पहला पाकिस्तान में वो हुआ रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, जमींदारी को हटाने की कोशिश की गई, जमींदार पहुंच गया मुल्ला साहब से, मौलाना साहब से लेकर के चले आए कि भाई नहीं है इस्लाम में जो जमींदारी है वो वैलिड है, हिंदुस्तानी कर रहे वो साले गलत है, ले हो गई। अब जब जमीन ही नहीं है आपके पास है, आपकी जमीन को कुछ 100 100 200 फैमिली पकड़ के बैठी हुई है, तो आपकी इंडस्ट्रीज कहाँ लगेंगी, और अगर लगेंगी तो सारी इंडस्ट्री उनके यहाँ लगेंगी, आप गुलाम थे गुलाम रहेंगे। पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने इस्लाम को एक तरीका बनाया हुआ है अपनी पर्सनल प्रॉफिट को लेने का, भाई इस्लाम सही के नाम पे देश नहीं बनते, ये तो अरबों ने कहा म्यूनिक कॉन्फ्रेंस पे जाके 5 6 साल पहले कह दिया था कि वी डोंट हैव एनी टेरिटोरियल एम्बिशंस एनी मोर, इसी टेरिटोरियलिटी के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्रुसेड हुए, इंडिया में भी यही सब चीजें हुई, हिंदुस्तान के भाई आपको जिससे प्यार हो जाए, मुझे मूर्तियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खराब लगते हैं, ठीक है मुझे अल्लाह से प्यार है, बहुत बढ़िया आप करें, नहीं अब अल्लाह से प्यार होने के साथ क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन घटिया है, इसके लॉ नहीं मानेंगे, हम कुरान के लॉ मानेंगे, अच्छा कुरान में भी हम चूजिंग करेंगे, बुरका नहीं करेंगे लेकिन हमको शरिया चाहिए, चार पत्ती नहीं चाहिए लेकिन शरिया चाहिए, अगर लॉज तो फॉलो करने हैं तो प्रॉपर लॉज इस्लामिक फॉलो करो, यहाँ से तो आप कुछ अलग ही लॉज फॉलो कर रहे हो, यहाँ से तो फिर आप कुछ पिक एंड और चूज बोल कर रहे रहे हो। हैं ना, पिक एंड चूज कर रहे हैं अपनी सत्ता बनाने के लिए, स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट करने के लिए, और पाकिस्तान का फेलियर का रीजन यही है, ये डबल स्टैंडर्ड। जब कोई पाकिस्तान, अब जैसे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, पार्लियामेंट जो है वो अगर कोई लॉ बनाए और कोई एक मुफ्ती ये कह दे ना कि ये कुरानिक नहीं है लॉ, खत्म हो जाएगा, उस लॉ की वैल्यू नहीं है, आपके पार्लियामेंट के पास कोई ताकत नहीं, एक मुफ्ती खड़ा होकर खाली उसको ये कहना है ये लॉ अनकुरानिक है, खेल खत्म, जनता उस लॉ को ठुड्डे मार देगी, मुफ्ती के पावर के पास किसी के, मुफ्ती से ज्यादा किसी के पावर नहीं है वहां पे, आपने इस्लाम को टूल बनाया हुआ है एनार्की फैलाने का, आपने इस्लाम को टूल बनाया हुआ है अपनी मुफाद को वो करने का, जब मन करता है फॉलो करेंगे, जब मन करेगा नहीं फॉलो करेंगे, और फिर इस्लाम का वो ले लेंगे क्योंकि सामने वाला भाई ऐसे ही डर जाएगा, अरे भाई कुछ बोलो मत क्योंकि बोल दिया तो ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सेंसिटिव है, दिल टूट गया, ऐसा दिल बनाया हुआ है जो टूटे ही जा रहा है, टूटे ही जा रहा है, सामने वाला जोड़ जोड़ के परेशान, इतना दिल टूटा कि देश तोड़ दिया, अभी भी दिल नहीं जुड़ा उनका, अब क्या तोड़ देंगे सरकार, और ये सिर्फ ये ऐसा नहीं, सारे मुसलमान प्रोग्रेसिव हो गए, ये हमारे यहाँ पे ये सरदर्द हुआ है, समझा समझा के मर गए कि आपके बाप दादा, अमर अकबर एंथोनी फिल्म बन गई जिसमें एक बना अमर, दूसरा बना अकबर, तीसरा बना एंथोनी, लेकिन बाप सबका किशन लाल, ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। अरे भाई मान लो कि एक समय हिस्ट्री थी, खोदोगे जमीन बुद्ध की मूर्ति निकलेगी, विष्णु की मूर्ति निकलेगी, क्या कर लोगे अब उसका, कहां से पेट्रोल डाल दे कश्मीर के अंदर, शारदा पीठ निकलेगा वहां पे, तो मैं ये क्या कह रहा हूं, टू सम इट अप, पाकिस्तान कभी नॉर्मल स्टेट बनेगा ही नहीं, ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लोग स्वार्थी हैं, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया की सबसे कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट है वो, कोई पावर नहीं है वहां पर, बिल्कुल। उस कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बनाया गया है कि लोग पॉलिटिशियंस को गाली दे सके, क्या आप किसी मुल्ला मुफ्ती को तो गाली दे नहीं सकते, और आप देखिएगा वो समय आएगा आपके पड़ोस ईरान में हुआ, 50,000 मंदिर मस्जिदें बंद हो गई, मुफ्तियों की टोपियां यूं उछाली गई, मेरे मेरी क्लासमेट, मैं जब पीएचडी करा था जर्मनी में तो मेरी बगल वाली रूममेट थी, वो ईरानियन लड़की थी, ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनती थी, मैं शर्मा जाता था भाई, मैंने उसको एक बार बोला भगवान के लिए यार मैं जब किचन में हूं तो कुछ तो आप वो कर ले मैडम, उनका बॉयफ्रेंड जर्मन था, मैंने उससे पूछा, वो उस समय उस एक लड़की को मार दिया था ईरान में, उसमें इतना गुस्सा रही थी, वो इतना गुस्सा आ रही थी, और एक लड़का था उसको भी ईरानियन था, दोनों वो दोनों हम लोग किचन में खाना बना रहे थे, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या सोच है, बोलता दीज मुल्लाज आर द प्रॉब्लम फॉर ईरान, ये यंग बच्चे कह रहे थे 17 18 19 साल के बच्चे कहते दीज मुल्लाज आर ब्लडी वो, मैंने बोला कि व्हाट इज योर रिलीजन, बोला माय रिलीजन इज ह्यूमैनिटी, वो जब तक आप दबा के रखो, एक बार जरा प्रेशर के सिटी तो हटाओ, फिर देखो फिर जरा मामला क्या होता है, लोगों को बातें समझ में आती है, ईरान में 50,000 लोग, 50,000 मस्जिदें बंद है, खोल दोगे मस्जिद हर घर में,
मस्जिद में दिल से तो कोई जाए, लोगों ने उसको एक वो बना रखा है डर का, अपनी सत्ता चलाने का माहौल। अरे रिलीजन पर्सनल मैटर है, हमें अल्लाह से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार में, हम उनके दीवाने हैं बस, ठीक है। अब एक समय था कि वो लॉ लाए, वो उस समय के लिए था। आप खुद ही कहते हो ना, ये वाला जो है आयत मनसूख हो गया। अब अगर अगर अल्लाह ने कोई आयत दी है वही मनसूख हो जाए, तो बाकी चीजें भी तो मनसूख हो सकती हैं ना। आपने बहुत चीजें पिक चूज कर ली, रहना सीखो लोगों के साथ, को एग्जिस्टेंस सीखो बाबा, आप जी सुपीरियर हो बिल्कुल, रखो। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें बोली और हमने दोनों फेजेस को सुना, दोनों जो कि पाकिस्तानी एक है लेकिन इस चीज से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार के हालात है। तो आई थिंक मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज एक पाकिस्तानी भी आके यही बोल रहा है कि पाकिस्तानी किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ से हमारे इंडिया इंडिया से अभिषेक सर ने किस तरीके से लॉजिक्स दिए है, इस्लाम पे ही बात की है। तो आई थिंक पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है, अगर उन लोगों को समझ में आए तो उन लोगों को समझना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप दोनों ने मेरे लिए टाइम निकाला और इस डिबेट का जो है आप पार्ट बने और यहाँ पे हमारे दर्शकों को बहुत कुछ समझाए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक शब्बा यू वेरी खैर, मच। नमस्ते। ठीक तो ऐसे ही अब डिबेट को कंक्लूड करते हैं, तो मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।